कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन छूट गए थे पिछले वीडियो में उसको हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे थे अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थीरी कैसे कैसे लिखना है, और एक रिविजन क्लास में हम समझ रहे थे। ठीक है, तो मापन, आकलन, मूल्यांकन, सतत व्यापक और संरचनात्मक योगात्मक हमने देख लिया था। क्रियात्मक अनुसंधान ऑलमोस्ट डन, ये भी हमने हो गया था। हम यहाँ पे देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, निदानात्मक परीक्षण के बारे में, और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे दोस्तों जो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि माध्यमादिका, माध्यमान, संबंध, सहसंबंध, गुणांक, मानक, विचलन, चतुर्थांश विधि, तो हम इसके थियरी देखेंगे। राइट, इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल को हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि वो खुद में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और मोस्टली बच्चे जो मेरे जानने वाले हैं, जो मोस्टली बच्चे मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं और वो थीरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, बाकी जिसको न्यूमेरिकल करना है वो न्यूमेरिकल करेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से निदानात्मक परीक्षण से, और फिर हम चलेंगे इन सारे वीडियोज को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। दोस्तों देखिए, एग्जाम्स में आपको थियरी नहीं, अपने बुद्धि विवेक समझ से लिखना है, तो इसीलिए मैं पहले आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरे। ठीक है, ये आपने एक बच्चे को दिया। ठीक है, और बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है। राधा प्रतिदिन स्कूल डैश जाता है कि जाती है, तो बच्चा मान लीजिए गलत आंसर कर देता है कि जाती है। तो मोहन प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है कि खेलती है, तो बच्चा अपना गलत आंसर कर देता है। यह टेस्ट हमने क्यों किया? यह टेस्ट हमने इसलिए किया कि हमने देखा कि एक बच्चा है कक्षा 5 का, उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान में समस्या होती है। तो हमने ये टेस्ट किया, और टेस्ट करने से हमें कारण पता चला कि हाँ, सच में इस बच्चे को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के पहचान में समस्या होती है। तो इसके आधार पर हम उसे समझाएंगे कि देखो स्त्रीलिंग के लिए कैसे शब्द यूज किए जाते हैं, पुल्लिंग के लिए कैसे शब्द यूज किए, तो हम इसे समझाएंगे। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या किया कि किसी विद्यार्थी के पढ़ने लिखने की समस्याओं का कारण पता लगाया। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? निदानात्मक टेस्ट कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। जब हम कोई टेस्ट इसलिए करते हैं यह जानने के लिए कि किसी बच्चे पढ़ने में कहीं कठिनाई होती है, उस कठिनाई के कारण को पता लगाने के लिए हम जब कोई टेस्ट करते हैं तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है, यानी कि निदानात्मक टेस्ट कहलाता है। और फिर इस टेस्ट के बाद हम उस बच्चे को क्या कहते हैं? इसका समाधान देते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसका इसका थीरी देखते हैं। ठीक है, आपने अपने शब्दों में समझ लिया, अब थीरी में आपको एग्जाम में लिखना कैसे। देखिए, निदान शब्द का अर्थ है कारण। शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की शिक्षा संबंधित कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण किसी विशिष्ट विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभव के अर्जित ज्ञान की विशिष्टता एवं कमी का मूल्यांकन करता है। मतलब किसी विशिष्ट, देखिए, किसी स्पेशल टॉपिक के लिए, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हम इसका परीक्षण करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। निदानात्मक परीक्षाएं किसी विशिष्ट वस्तुगत इकाई को प्राप्त गुणों के आधार पर छात्रों के सुधार हेतु परामर्श प्रदान करता है। मतलब उसको सुझाव प्रदान करता है, उसको क्या करता है? उपचार बताता है किसी विशिष्ट इकाई, किसी स्पेशल यूनिट के बारे में। ठीक है, कहने की बात वही है। अब आइए इसमें आप पता क्या करते हैं कि छात्रों को सफलता क्यों नहीं मिली, इसके कारणों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य विशिष्ट विषय वस्तु अधिगम इकाई को प्राप्त गुणों के आधार पर बालक के शैक्षिक विकास में सुधार हेतु समुचित परामर्श देना है। अब वही बातें यहाँ पे रिपीट की जा रही है। कहने का मतलब बस इतना समझ जाइए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको बस वही चीजें याद आएंगी जो समझ गए। तो निदानात्मक के बारे में पूछे तो सबसे पहले लिखिए, निदान शब्द का अर्थ होता है कारण, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, और यह परीक्षण किसी विशिष्ट विषय वस्तु के बच्चों के कठिनाइयों के कारण का पता लगाकर उसके समाधान का क्या करता है? परामर्श देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अब आप आइए, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या होंगे? बिल्कुल उद्देश्य वही होंगे जो आप जानते हैं, क्या? कमियों का पता लगाना। ठीक है, सॉरी, छात्रों की कमी का पता लगाना, उपलब्धि में कहाँ कमी है और उस कमी का कारण क्या है, कारण के पता लगाना, और कारण के बाद अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना। ठीक है, और जो कमजोर परिस्थितियां हैं उसका निवारण करना। ठीक है, यही तो इसका उद्देश्य होगा। और जो किसी विशिष्ट विषय में जो बच्चे पिछड़े हैं उनको आप पहचान कर सकें और उनमें सुधार कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सारी चीजें। भाषा तथा अन्य विषयों को प्राप्त कमियों के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रबोधात्मक बनाना,
और परिस्थितियां संबंधित कठिनाइयों के निवारण, सॉरी परिस्थिति संबंधित कठिनाइयों के निवारण और परिस्थितियों में सुधार लाना, मतलब वही सही है, ठीक है। और देखिए विषय संबंधित निदान हेतु विषय को छात्रों की रुचि क्षमता, अब आप जब कारण पता लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बच्चे की कमी कहाँ है, उसकी रुचि कहाँ है, तो आप उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। कम समय में विषय वस्तु को समझना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना, तो उद्देश्य आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहला क्या है दोस्तों, कमी का पता लगाना, कमी के कारण का पता लगाना, उसके बाद उसका उपचार करना, उसका निदान करना, यही सारी चीजें निदानात्मक परीक्षण में आप इसको लिखिए। चलिए अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि किसी विद्यार्थी के समस्या है तो निदानात्मक परीक्षण की रचना करिए, तो इस प्रकार से आप इसकी रचना कर सकते हैं। अब आइए हम आगे चलते हैं, और दोस्तों अब हम देखेंगे सह संबंध गुणांक क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, इसका इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सह संबंध गुणांक, ओके। इसकी अर्थ प्रकार महत्व हम सब जानेंगे। अब आइए सह संबंध को भी पहले आप समझ जाइए। दो या दो से अधिक चल राशि घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सह संबंध कहते हैं। एग्जाम मतलब क्या हुआ, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कुछ एक है खर्चा, एक तरफ ये हमारे पास दो हमारे पास क्या है राशियां दी गई हैं, ठीक है, इसमें हमें दिया गया है खर्च, ठीक है, और इसमें दिया गया है बचत, ठीक है, बचत। अब आप बताइए खर्च और बचत का जो ग्राफ है, खर्च जितना ही ज़्यादा होगा बचत उतनी ही कम होगी, होगी कि नहीं होगी, और खर्च जितना ही कम होगा बचत उतनी ही ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, अब बताइए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि तो खर्च और बचत में क्या है, एक संबंध है, इन दोनों के बीच एक संबंध है, ठीक है, तो इसी संबंध को हम कहते हैं सह संबंध गुणांक। दो या दो से अधिक चल राशि घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को हम सह संबंध गुणांक कहते हैं। इसके अलावा मैं और आपको एग्जांपल दे दूं। अब मान लीजिए कि आपके पढ़ाई में व्यतीत किया गया समय, ठीक है, और आपके प्राप्त अंकों की संख्या, तो आप जितना ही पढ़ाई में समय जितना ज्यादा देंगे उतने ही आपके अंक अच्छे आएंगे, तो इन दोनों में भी क्या है, संबंध है। हाँ भाई, एक परिभाषा देख लीजिए, सह संबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सह संबंधित हैं, एक के परिवर्तन से दूसरे के परिवर्तन किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। अब आगे समझ जाइए इनके प्रकार क्या होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और रेखीय सह संबंध। अब इसको जरा समझिएगा, धनात्मक सहसंबंध क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई पहली चल राशि बढ़ती है तो दूसरी भी चल राशि बढ़ती है, ठीक है, या फिर जब पहली चल राशि घटती है तो दूसरी भी चल राशि घटती है, मतलब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो ये होता है धनात्मक सहसंबंध गुणांक, ठीक है। जब पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि भी बढ़े या पहली चल राशि के घटने से दूसरी भी घटे, अर्थात परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं, तो दोनों राशियों में धनात्मक सहसंबंध है। जैसे कि बुद्धि और परीक्षा में प्राप्त अंकों में धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि बुद्धि के बढ़ने से प्राप्त अंकों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और बुद्धि और अधिक प्राप्तांक देखकर आप कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर बुद्धिमान है, बच्चा बुद्धिमान है, ठीक है, तो ये हो गया धनात्मक। ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक बिल्कुल इसके विपरीत है। मान लीजिए जब एक चल राशि बढ़ेगी तो दूसरी चल राशि घटेगी, और जब दूसरी चल राशि पहली चल राशि घटेगी तो दूसरी चल राशि क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो ऋणात्मक से जब पहली चल राशि के बढ़ने से दूसरी चल राशि घटे, या पहली चल राशि के घटने बढ़े बढ़ या दूसरी चल राशि के बढ़ने से पहले घटे, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें होता है ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है। अब आइए अब इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल वही हमारे खर्चे और हमारी बचत के बीच का संबंध। तो हमारी जितने ही ज़्यादा बचत होगी खर्चे उतने कम होंगे, और जितनी कम बचत होगी खर्चे उतने ज़्यादा होंगे, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में विपरीत दिशा में है, यानी कि ऋणात्मक सहसंबंध है। इसके अलावा शून्य शून्य सहसंबंध, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि शून्य संबंध, जब पहली चल राशि की वृद्धि या घटाव दूसरी चल राशि के अंतर पर कोई उत्पन्न नहीं होता, मतलब चाहे पहली चले या बढ़े दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो उस समय क्या होगा, शून्य संबंध। एग्जाम्पल की तौर पे मनुष्य की आयु उसकी धनराशि में, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य जितना ही ज्यादा उम्र का होगा क्या उसके पास धन उतना ही ज्यादा, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, धन का कोई मतलब ही नहीं है कि कौन कितना
बड़ा है। तो इसमें क्या है, शून्य संबंध है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, रेखात्मक सह संबंध का मतलब होता है कि जब दोनों में अंतर समान हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जब दो धनराशियों के प्राप्तांकों में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उनका ग्राफ एक सरल रेखा में हो, तो इस प्रकार के सह संबंध को रेखात्मक सह संबंध कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो इसके समय और इसके चली गई दूरी के बीच, ये जितना ही समय चलेगा इसकी दूरी प्रारंभ क्या होती, बढ़ती जाएगी। यही तो होगा दोस्तों, बिल्कुल। ये जितना समय चलेगा इसकी क्या होगी, दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों के बीच में एक रेखात्मक सह संबंध है। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए, आपके लाइक और कमेंट, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, तो आपके लाइक और कमेंट से और मेरे वीडियो बनाने में क्या संबंध है, इसमें एक धनात्मक सह संबंध है। आप जितना ही अच्छा लाइक करते हैं, आपने फीडबैक देते हैं, मैं उतना ही अच्छा वीडियो बनाता हूँ। हाँ, कुछ बच्चों के साथ शून्य संबंध है, चाहे गुरु जी कितना भी अच्छा पढ़ाए, चाहे गुरु जी कितनी बार भी कहें, हम लाइक नहीं करेंगे। तो कुछ बच्चों में हो सकता है शून्य संबंध है, और कुछ बच्चों में नेगेटिव तो नहीं होगा, कुछ डिसलाइक मार देंगे। तो जो डिसलाइक मार देंगे मतलब नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात यह है, आप समझ जाइए कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये सब बात की चीज़ें हैं। परीक्षा में अच्छे नंबर ला देंगे, मेरे लिए सब वही बहुत कुछ है। तो सह संबंध गुणांक समझ गए दोस्तों, जब दो चल राशियों में बीच संबंध हो, अर्थात जब एक के परिवर्तन से किसी दूसरे के परिवर्तन का के बीच हो, तो ये हम क्या कहते हैं, सह संबंध कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और रेखीय। कोई दिक्कत नहीं, बस इसको लिख के आ जाएगा। एक छोटा सा काम और कर दीजिएगा, एक ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर पूछता है तो। नहीं, अगर ये याद आता है तो कोई बात नहीं, थियरी लिख दीजिए, लेकिन फॉर्मूला लिख देंगे तो बस मास्टर कहेगा वाह क्या बच्चा लिखा है। मास्टर शायद आपको भी बुलाए और हमको भी बुलाए, कहेगा वाह इतना अच्छा कैसे लिखे हो। तो ये फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए, अगर ध्यान में आ जाता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इसके सह संबंध गुणांक निकालने की ये परिभाषा है। सिंपल कोरिलेशन कोफिशियंट निकालने का एक फॉर्मूला है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ तो मैं आपको भेजूंगा ही भेजूंगा दोस्तों। अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सह संबंध गुणांक देख लिया, अब आइए अब हम देख लेते हैं कि इसका मानक विचलन को देख लेते हैं, ठीक। मानक विचलन क्या होता है, इसको जरा समझिए, बहुत अच्छा समझना है, ठीक है। चलिए, मानक विचलन देखिए क्या है। मानक विचलन वर्णात्मक आंकड़ों में इसके माध्य के सापेक्ष डेटा बिंदुओं के फैलाव या बिखराव की डिग्री है। इसको समझ जाइए, मान लीजिए आपके क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, किसी ने 5 नंबर पाया, किसी ने 6 नंबर पाया, किसी ने 3 नंबर पाया, किसी ने 2 नंबर पाया, किसी ने 8 नंबर पाया, ठीक है, और किसी ने 10 में 10 पाया। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, तो 6 ने इतने नंबर पाए। अब इन सब का एक माध्य होगा, माध्य का मतलब एक औसत होगा कि पूरे क्लास में एक औसत इतना मार्क्स आया। तो मानक विचलन होता है कि जब आपके माध्य के सापेक्ष आपके जो टोटल आंकड़े हैं वो कितने फैले या बिखरे हुए हैं, मतलब आपका जो सेंटर पॉइंट है उससे कितने ऊपर और कितने नीचे तक का फैलाव है, इसको हम निकालना कहते हैं प्रमाणित विचलन या मानक विचलन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, पहले इसको समझिए। मानक विचलन वर्णात्मक आंकड़ों में इसके माध्य के सापेक्ष, माध्य के समय हमेशा आपके माध्य के सापेक्ष बिंदुओं के फैलाव या बिखराव की डिग्री है। यह बताता है कि डेटा के नमूनों में मान कैसे फैले हुए हैं और माध्य से डेटा बिंदुओं की भिन्नता का माप है, ठीक है। एक नमूने का मानक विचलन सांख्यिकी, जनसंख्या, यादृच्छिक चर, डेटा सेट या संभावित वितरण, इसके विचलन के वर्गमूल हैं। ये थोड़ा सा फॉर्मूला दिया है कि कैसे निकालते हैं। अब आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखिए कि एक डॉग है, ये मतलब 1 2 3 4 5 डॉग हैं, इनके हाइट, इनके कंधे की हाइट का मानक विचलन क्या होगा। तो मान लीजिए इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका माध्य निकालेंगे, मतलब बीच का बिंदु निकालेंगे, नहीं समझिए, ठीक है। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लीजिए इसका जैसे यहाँ पे देखिए किसी की हाइट कितनी है दोस्तों, किसी की हाइट यहाँ पे किसी की 206 थी और किसी का एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हाँ जी ये देखिए। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य आप हाँ यहाँ पे, तो एक की हाइट इतनी है, एक की हाइट इतनी है, एक की हाइट इतनी, एक की हाइट इतनी, तो आपने क्या किया, सभी की हाइट को आपस में जोड़ लिया और जितने थे उससे आपने भाग दे दिया। तो भाग देने के बाद आपको माध्य मिल गया, औसत मिल गया, औसत मिल गया कितना, 394। तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये जितने भी डॉग है ना, इनकी औसत लंबाई कितनी है, औसत लंबाई 394 इतनी है, ठीक है। आपने औसत लंबाई यहाँ पे इतनी निकाल ली। अब आपने देखा है कि इस औसत से कुछ इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है, तो आपने औसत के सापेक्ष, अब दिख रहा है औसत के सापेक्ष कोई 206 है, कोई 76 है, कोई तो इतना कम है। अब इन सब का आप क्या करेंगे दोस्तों, इन सब का आप वर्ग करके
इन सबका आप वर्ग करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और उसका जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो यह वर्गमूल ही क्या होता है दोस्तों, मानक विचलन होता है। मैं बस समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि इनकी हाइट का फैलाव और बिखराव कितना है, यही मानक विचलन कहलाता है। तो आप इसके प्रॉब्लम्स को टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम को छोड़िए, आप बस समझ जाइए कि होता क्या है कि किसी भी आंकड़ों के माध्य के सापेक्ष इनका फैलाव या बिखराव क्या होता है, मानक विचलन कहलाता है। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे आप इन शब्दों में लिख दीजिए, ठीक है, मानक विचलन क्या होता है। चलिए ऐसे ग्राफ बना दीजिएगा, और ग्राफ बनाने के बाद आप ऐसे एक बीच का माध्य मतलब मीन माध्य निकाल दीजिएगा, और एक ऐसे दो लाइन खींच लीजिएगा और इसको थोड़ा सा डॉट मतलब डार्क कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि ये आंकड़ों का फैलाव और बिखराव यहाँ पे ही है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। चलिए अब आइए मानक विचलन की गणना की, वही मैं बताया मानक विचलन की गणना में सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने माध्य निकाला, समांतर माध्य, उसके बाद माध्य का जो जो उनकी लंबाई थी आंकड़ों से आपने माइनस कर दिया, फिर उनके वर्गों का अंतराल और जितनी संख्याएं थी उसे भाग दे दिया, और मानक इससे और उसका लास्ट में वर्गमूल निकाल लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मानक विचलन की गणना हो गई दोस्तों। इसी चीज को मानक विचलन को एक वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कोशिश करिए कि शब्दों को समझना चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए मानक विचलन की फॉर्मूला, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले से मानक विचलन निकलता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में, कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है। शब्दों को देखिए, शब्द में क्या लिखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब इसमें कोई ऐसी प्रवृत्ति है जो केंद्र हो, मतलब प्रवृत्ति का मतलब नेचर, एक ऐसी प्रवृत्ति है जो केंद्र को दर्शाती हो। बिल्कुल आपने सही समझा, केंद्रीय प्रवृत्ति, उसी केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्र होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 4, 5, 6 इसका एक अगर आप औसत निकालेंगे दोस्तों, औसत, तो एक बिंदु आएगा, उसी बिंदु के आसपास कोई उससे कम होगा, कोई उससे ज्यादा होगा। जो हमारा औसत और माध्य होता है ना, वही दोस्तों वास्तव में केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब समझ जाइए कि संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष प्रकार के मूल्य के आसपास संकेंद्रीय होने की प्रवृत्ति। इसको थोड़ा और समझ जाते हैं, उस बिंदु या मूल्य को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं या मूल्यों का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सेंट्रल पॉइंट या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ जाइए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। चलिए मान लीजिए आप टीचर बनने के बाद आपके प्रिंसिपल ने पूछा कि आपके क्लास में बच्चों के मैथ में परफॉर्मेंस कैसे है, तो आप क्या बताएंगे, विवेक का मैथ में 47 है, अमित का मैथ में 95 है, या फिर सुरेश का मैथ में इतना, आप किस प्रकार से बताएंगे, नहीं बताएंगे ना, आप बता देंगे कि मेरे क्लास में बच्चों का औसत मैथ में 65 है, एवरेज है। तो प्रिंसिपल समझ जाएगा कि चलो बच्चों ने कुछ अच्छा किया। अब देखिए उदाहरण के लिए किसी कक्षा के छात्रों द्वारा किसी विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक, किसी क्षेत्र विशेष में औसत वर्षा ज्ञात करनी हो, या किसी कारखाने का औसत उत्पादन, या किसी फॉर्म फैक्ट्री, या किसी स्थान विशेष में कार्य करने वाले कर्मचारी की औसत आय। अब मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि आपकी बिजनेस में आपका कैसा काम चल रहा है, तो वो तो ये नहीं कहेगा ना कि संडे को इतनी कमाई मंडे, वो औसत बता देगा कि हाँ महीने में इतने का बिजनेस हो जाता है। तो वही ये औसत जो है ना, इसी औसत को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, मतलब इसके अंदर एक केंद्रीय प्रवृत्ति है कि इसी औसत के आसपास क्या होता है, आंकड़ों का झुकाव होता है और संकेंद्रीय होता है, तो इसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति माप कहते हैं। अब इसकी देखिए सरल शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण के एक तरीका है। ये क्या करता है, आंकड़ों को छोटा बना देता है, ठीक है, एक आंकड़ों का छोटा बना देता है। अब आइए इसके प्रवृत्ति के देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए वैसे तो कई सांख्यिकी माप हैं, किंतु सबसे ज्यादा प्रचलन में यह तीन है, कौन सा, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो यहाँ तक आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समाप्त होते हैं। अब यहाँ से खुद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे ये पूछता है कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, और बहुलक किसे कहते हैं। तो आइए वन बाई वन देख लेते हैं कि समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक किसे कहते हैं। तो बात करते हैं कि माध्य किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, माध्य दी गई संख्याओं का औसत है, और दी गई संख्याओं के योग को दी गई संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित कर रहे इसकी गणना की जाती है।
क्या कहते देखिए, माध्य क्या है, माध्य जो सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाई प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब यहाँ पे आप समझिए, उदाहरण के तौर पे 2, 4, 6, 8 और 10 का माध्य निकालना है, तो आप 2, 4, 6, 8 को जोड़ लीजिए और इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 5 हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपके क्या निकल जाएंगे, माध्य निकल जाएंगे, मीन निकल जाएंगे। इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं, इसको एवरेज भी कहते हैं। चलिए अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर। ठीक है, सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके ओके, तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वैसे आप एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये हो गई आपके माध्य के बारे में। ओके, सिमिलरली अगर आप इसी आसान से शब्दों में माध्यिका को समझने की कोशिश करेंगे, मीडियन क्या होता है, तो आंकड़ों के समूह के मध्य का वो मान जो संपूर्ण वितरण को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। मतलब अब यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं, तो जो सबसे बीच वाला होगा, ये जो होगा वो 4 इधर और 4 इधर बांट रहा है, तो ये बीच वाले मान को मध्य के मान को मध्य मान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, अर्थात यदि एक आंकड़ों को उनके मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए, यानी आरोही और अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनको आपको या तो घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में बांटना होता है, फिर बीच वाला। तो आपने क्या किया, इनको सबसे 2, 3, 5, 5, 5, 7, 8, 9 और 11 इस तरह से आपने बढ़ते हुए क्रम में दे दिया, और इसका जो बीच वाला मान होगा वो होगा ये। तो ये क्या करेगा, 4 इधर 4 बराबर भागों में बांट करेगा, तो ये क्या होगा, ये इसका मध्य का मान हो जाएगा, यानी कि मध्यमान हो जाएगा, यानी कि मीडियन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए सिमिलरली, अब इसको थोड़ा सा और लिखिएगा आप। अब आंकड़े सम हो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 12 भी हो, तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये कैसे निकलता है, सबसे पहले एन बाई टू ले लेंगे, एन मतलब टोटल कितने हैं, इसमें हैंगे हो गए 10, तो 10 बटे 2, ठीक है, 10 बटे 2 प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, तो एन बाई टू बाई वन मतलब 10/2 प्लस 1, ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 6, तो पांचवा पद प्लस छठा पद, ठीक है, तो पांचवा पद कौन सा है दोस्तों, पांचवा पद हमारा है 5 और छठा पद है हमारा कौन सा, यहाँ पे छठा पद है हमारा 7, 1, 2, 3, 4, पांचवा पद हमारा ये वाला है और छठा पद ये वाला है, अगर यहाँ पे 12 हो तो, यानी कि 5 प्लस 7 बटे 2। सिंपल सी बात समझिए, जो सबसे बीच का मान होगा ना, बीच वाला मध्य, माध्यिका का मतलब बीच वाला मान, इसको मध्यमान भी कहते हैं, ठीक है, तो बीच वाले मान को ही हम मध्यमान, मीडियन या माध्यिका कहते हैं। तो जो जब 9 हो, जब आंकड़े विषम हो, तो बिल्कुल सिंपल बीच वाला, और नहीं तो बीच वाला, ये दोनों का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। चलिए बहुत से, इस तरह से आपने माध्यिका देख लिया। बहुलक तो बहुत आसान है कि अगर किसी बहुलक, दोस्तों बहुलक देखिए, यदि किसी आंकड़ों में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आया हो, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर ये है, तो इसमें देखेंगे आप 5 कितनी बार आया, 1, 2, 3, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो अर्थात किसी आंकड़ों के समूह में जिस बिंदु की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह बहुलक कराती है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को हम यही खत्म करें। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आपका जो पूरा सब्जेक्ट है ना वो इतना डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, थ्योरी मापन आकलन मूल्यांकन, ठीक है, मापन आकलन, ठीक है, इन मापन आकलन मूल्यांकन सतत, ये इन सबसे आपका थ्योरी आ जाएगा, और थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल होगा, कोई एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट सेक्शन बी में मिलेगा, बस एक क्वेश्चन, एक से दो, बाकी जो लॉन्ग में पूछेगा तो वो इसी में से दो पूछेगा, तो इसी में से कर लीजिएगा, मापन आकलन मूल्यांकन क्या होता है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत टेंशन मत लीजिए, जो भी आपने लिमिटेड पढ़ा है बस उसको अपनी भाषा में समझ जाइए, और इस प्रकार से इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, सब्जेक्ट को खत्म करेंगे। दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाकी अगर कोई प्रश्न आपको छूट गया या रह गया जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछेंगे, टाइम मिलेगा तो उस पर बना देंगे। बाकी बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चंस और सोर्सेज के बारे में नहीं पढ़ना, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी को बस समझ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जय हिंद जय भारत दोस्तों।